राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ नागपुर शहर की ओर से ओबीसी के नेता बबन राव तायवाड़ी इनका 65वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका लाभ परिसर के नागरिकों ने उठाया है। राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ नागपुर शहर की ओर से ओबीसी के नेता बबन राव तायवाड़े इनका 65वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ की अलका ठेंगरे द्वारा बढ़िया भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ की महिला और ओबीसी के तेज तर्रार नेता बबन राव तायवाड़े ओबीसी समाज के न्याय के लिए कई बार आंदोलन कर चुके हैं। इनके द्वारा किए गए आंदोलन से काफी हद तक ओबीसी को न्याय भी मिला है। विधायक विकास ठाकरे और अलका ठेंगरे के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी की मौजूदगी में 65वां जन्मदिन का केक काटा गया, तो वहीं परिसर के नागरिक अपनी आंखों की जांच करते शिविर में दिखाई दिए। अलका ठेंगरे द्वारा किए गए बढ़िया आयोजन से हर किसी के चेहरे पर मुस्कान साफ दिख रही थी। विधायक विकास ठाकरे और बबन राव तायवाड़े इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। देखिए, कहने के लिए तो बहुत है। आज खुशी की बात है कि कल मेरा जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में आज हमारे सभी महिला पदाधिकारी, युवक पदाधिकारी, इन लोगों ने यहाँ पर एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। ये बड़े खुशी की बात है कि आज ओबीसी के बैनर के तहत ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इसका मतलब आज इस शहर का, राज्य का और देश का ओबीसी जागरूक हुआ है, ये समझेंगे। देखिए कि इस देश का जब संविधान बना, तब संविधान बनने के पहले छत्रपति शाहू महाराज ने जो योजनाएं ओबीसी और बहुजन समाज के लिए शुरू की थी, वही फैसिलिटी स्वतंत्र भारत में भी इस समाज को मिलना चाहिए। इसलिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, बाबा साहेब पंजाबराव देशमुख, इन्होंने संविधान में कलम 340, 41 और 42 ओबीसी एससी एसटी के लिए डाला, लिखा। देखिए, अभी तक ऐसा था कि हमारे ओबीसी समुदाय के लोगों को उनके अधिकार क्या है, उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या कोई सहूलती देनी चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए, इसकी जन जागृति किसी ने करने की कोशिश नहीं। हमने इसकी पूरी पढ़ाई करने के बाद हम लोगों ने हमारा एजेंडा बनाया कि हमको राज्य सरकार से क्या लेना है, हमको केंद्र सरकार से क्या लेना है, और एट ए टाइम हम दोनों गवर्नमेंट से झगड़ झगड़ के पिछले 6 साल के अंदर 22 GR ओबीसी के उत्थान के लिए निकाले। ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की उपलब्धि है। ये 22 GR के कारण आज हमारे बच्चों को पहली से 10वीं स्कॉलरशिप मिल रही, आज 15,000 बच्चों को JEE नीट का फुकट में प्रशिक्षण हो रहा है, 1,000 बच्चों को UPSC का ट्रेनिंग हो रहा है, 2,000 बच्चों को MPSC का ट्रेनिंग हो रहा है, अभी 20 बच्चे पायलट होने जा रहे हैं, 200 बच्चे CA होने जा रहे हैं, 100 बच्चे CS हो रहे हैं। ये सुविधाएँ सरकार जब तक हमारे समुदाय को नहीं देगी, हमारा विकास नहीं होगा। आज जो शुरुआत 75 साल पहले होनी थी, वो शुरुआत अभी हुई। चलो, देर भले शुरुआत हुई और इसी के कारण ओबीसी समुदाय अभी इकट्ठे आना शुरू हो गया है, क्योंकि उनको अधिकारियों की जानी होगी, उनको सरकार से कैसा लड़ना और अपनी मांगे कैसी पूरी कर लेना, इसकी एक जागृति होने के कारण ये जय ओबीसी का नारा पूरे देश में बुलंद हो चुका है। और इसलिए हमारे सारे लोग कहते हैं, जो ओबीसी की बात लड़ते झगड़ते रहते हैं, आम जनता के बीच में उनको न्याय दिलाने के लिए सजग रहते हैं, ऐसे महान व्यक्ति का कल जन्मदिन है और उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ पर आरोग्य निदान शिविर लिया गया है। मुझे लगता है कि हर किसी की चाहत होती जो लोकप्रिय नेता रहता है और लोगों को लगता है कि उसका जन्मदिन हम किस तरह से मनाएं, तो आज यहाँ पर महिला ओबीसी संघ ने उनका जन्मदिन जनता के रोग निदान शिविर के माध्यम से मनाया गया है। मैं बबन राव जी तायवाड़े सर को शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसी सतत वो जनता के लिए लड़ते रहे, झगड़ते रहे और आम आदमी को न्याय दिलाते। इसकी वजह है ओबीसी समाज का एकजुट होना और वही भी एकजुटता के लिए कोई एक कारण रखता है बबन राव जी तायवाड़े सर, जो देश भर में समाज को एकजुट करने के लिए भिड़े हैं। इस समाज की जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उसी का नतीजा ये है। इस देश में ओबीसी तकरीबन 80% है, फिर भी उन्हें अपने न्याय के लिए सरकार से गुहार लगानी पड़ती है। भविष्य में जय ओबीसी का नारा बुलंद हो सकता है।
संजय मिरे, BCN न्यूज़, नागपुर।